अनेकों सड़कें ऐसी हैं जहां से आदमी गुजरना नहीं पसंद कर रहा है, वो सड़कें इन भ्रष्टाचार अधिकारियों को नहीं दिख रही है। ये अधिकारी इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि इनका बस नहीं चल रहा, ये शहर का बेनामा कर दें। ये क्यों बना रहे हैं इसको, जिस सड़कों को गड्ढे जहां पे है, बच्चे घायल हो रहे हैं, सड़कें रिक्शाएं पलट रही हैं, वहां कोई किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनानी। जहाँ रोड की आवश्यकता है वहाँ बनाइए आपने। आप चलो बेटीगंज में मेरे साथ, आप चलो अंबरतरा पे मेरे साथ, आप चलो राजेंद्र पाटी जी के मकान के सामने। जहाँ रोड की आवश्यकता है वहाँ तो आप रोड नहीं बना रहे हो। कि जिस पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर तो उस पैर का होगा, ठीक तो उसे करोगे। जो सड़क पहले से बिल्कुल ठीक है उसे क्यों बना रहे हो, ठीक ठाक सड़क, उससे उसकी मोटाई और बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोड के। अब दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविल लाइन में, जहां रोड बनाने का काम जारी है। आप देख सकते हैं पीछे रोलर भी खड़े हैं और भी इंस्ट्रूमेंट यहां पर खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता राठी जी। राठी जी, आपने अभी लाइव किया था और क्या मामला है पूरा? सबसे पहले मैं कहूंगा रुड़की वासियों को मेरा नमस्कार। मामला बहुत गंभीर है, मामला जनता के पैसे से जुड़ा हुआ है, टैक्स के पैसे से, विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी नगर निगम अधिकारियों से बात हुई है, उन्हें भी मैंने अवगत कराया है कि अभी जो है ये सब तामझाम जो सड़क बनाने के लिए आया हुआ है आज रात के लिए, ये आया हुआ है प्रेम मंदिर रोड की सड़क बनाने के लिए। हमारा ये कहना है कि जिन सड़कों पे गड्ढे हैं, जो बीटीगंज की सड़क पे कम से कम 100-150 गड्ढे इस पर है, गुरुद्वारे की रोड पे गड्ढे हैं, इमली रोड की रोड गड्ढे हैं, नगर निगम के सामने गड्ढे हैं, नेहरू स्टेडियम के सामने वाली रोड पर इतने गड्ढे हैं, हमारा ये कहना है कि सबसे पहला प्राथमिकता में वो सड़कें बननी चाहिए जिनके लिए हम दिन रात आवाज़ उठाते हैं, जिन पर दिन रात लोग चोटिल होते हैं, घायल होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए रुड़की शहर का, कि रुड़की शहर में प्राथमिकता से जनता के टैक्स के पैसे से वो सड़क बनाई जाती है जिसमें एक भी गड्ढा नहीं है, जिसे कोई बनाने के लिए कह भी नहीं रहा। तो ये प्रेम मंदिर रोड है, मैंने बोला कोई भी अधिकारी जे को मैं 5 बार फोन कर चुका हूँ, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। अभी अधिकारियों की संज्ञान में मैं पूरा मामला डाल दिया, तो उन्होंने मुझे एक तर्क दिया इसके पीछे। मैंने कहा ये सड़क बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई कह नहीं रहा है बनाने के लिए। लेकिन जिन सड़कों के लिए हम सारी रुड़की की पब्लिक परेशान है, आए दिन चोट लग रही है, बच्चे घायल हो रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि सड़क को 5 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी रुड़की की गुणवत्ता की सड़कें अगर 5 साल हो गए, उसमें कोई गड्ढा नहीं है, वो सड़क बिल्कुल अच्छी है, तो क्या उस सड़क को बनने दीजिए ना, विकास हो रहा है भाई साहब, विकास हो रहा है। आप ये बताइए, मैं पहले भी कहा था आपको, जब गणेशपुर का मामला था, गंगनहर की सड़क कोई नहीं कह रहा था बनाने के लिए, सब गणेशपुर की कह रहे थे कि जिस पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर तो उस पैर का होगा, ठीक तो उसे करोगे। जो सड़क पहले से बिल्कुल ठीक है उसे क्यों बना रहे हो, ठीक ठाक सड़क, उससे उसकी मोटाई और बढ़ जाएगी। ये बात आपकी जायज है, शायद मुझे लगता है पंकज त्यागी जी यहाँ पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं, यहाँ पर सड़क निर्माण होनी है जो आप बता रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप लोगों के माध्यम से, ये जो सड़क है जी। ये सड़क पूरी तरीके से बनी हुई है, गड्ढा मुक्त है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं है। जहाँ पे सड़कें गड्ढे में गड्ढे हैं, जहाँ सड़कें बनी हुई हैं, उन सड़कों को बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा। आखिर कौन कर रहा है काम? ये नगर निगम कर रहा है, और कौन कर रहा है? और मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, ये सिर्फ भ्रष्टाचार है और सिर्फ कमीशन खोरी और कुछ नहीं है। ये क्यों बना रहे हैं इसको, जिस सड़कों को गड्ढे जहाँ पे है, बच्चे घायल हो रहे हैं, सड़कें रिक्शाएं पलट रही हैं, वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनानी। और सड़क उसको बनानी है जो सड़कें बिल्कुल गुणवत्ता के हिसाब से भी अच्छी हैं, कोई गड्ढा नहीं है। आप उन सड़कों को बनाने का कार्य करें, बनी बनाई सड़कों पे आप काम कर रहे हैं, उन सड़कों को बनाने का कार्य करें जो सड़कें गड्ढे से गड्ढे हैं, जिसके अंदर आप ये देखिए आपका नेहरू स्टेडियम की सड़कें हैं, गुरुद्वारा रोड है, बीटीगंज है, जो मेन बाजार की सड़कें हैं, उन सड़कों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आखिरकार उन सड़कों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है जनप्रतिनिधि द्वारा, ये बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के नेता राजा त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वाक्य को लेकर जो यहाँ पर चल रहा है और सड़क निर्माण हो रहा है, जो सड़क टूटी नहीं है, जिसमें गड्ढे नहीं है वह रोड बन रही है, जिसमें गड्ढे हैं वह रोड नहीं बन रही है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दूं, नगर निगम जो इतना टैक्स बढ़ा रहा है जनता पे, वो टैक्स इसीलिए बढ़ाता जा रहा है कि जो बनी बनाई सड़कें इन्हें तोड़ो और फिर बनाओ।
रुड़की में विभिन्न ऐसी नगर निगम के क्षेत्र में सड़कें हैं जिन सड़कों की हालत इतनी बदतर है, वो सड़कें नहीं ना भ्रष्ट अधिकारियों को दिख रही है, इन्हें बनी बनाई प्रेम मंदिर मार्ग की सड़क दिखी है। शहर की अनेकों सड़कें ऐसी हैं जहाँ से आदमी गुजरना नहीं पसंद कर रहा है, वो सड़कें इन भ्रष्टाचार अधिकारियों को नहीं दिख रही है। ये अधिकारी इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि इनका बस नहीं चल रहा, ये शहर का बेनामा करते हैं। राजा त्यागी जी, आपने बहुत से मुद्दे उठाए हैं जो अवैध चल रहे थे, वो आपने मुद्दे उठाए, लेकिन जो नगर निगम क्षेत्र में और जो विधानसभा क्षेत्र में गांव हैं वहां पर सड़कें मुझे लगता है नहीं बन रही हैं, कुछ गांव खस्ता हाल हैं, क्या कहेंगे? देखो ये तो सच्चाई है, हमारी विधानसभा क्षेत्र और हमारे रुड़की नगर निगम के दायरे में अगर हम इसी की बात करें तो इसकी इतनी बुरी हालत है विभिन्न जगहों की, लोगों ने बहिष्कार कर दिया नेताओं का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी क्षेत्र में वोट मांगने नहीं आएंगे। और इन नेताओं की हालत यह है कि इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने डूब चुके हैं कि वो इनकी सुनते ही नहीं है, चाहे महापौर हो या विधायक हो। और ये मिली भक्त होने की वजह से कि अगर ये नेता ईमानदार होते तो इन अधिकारी बेलगाम ना होते, ये अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। और सबूत के तौर पर मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, पनियाला रोड पर कोई सुध नहीं ले रहा है, पनियाला रोड की हालत खस्ता है, लेकिन तीन विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई पनियाला रोड अभी तक नहीं बन रही है। राजा त्यागी जी क्या कहेंगे? देखो वो सड़कें बनने की नहीं जी, वो सड़कें इसलिए नहीं बनने की क्योंकि वो बनी हुई सड़क नहीं है, अगर वो बनी हुई सड़क होती तो बहुत जल्दी बना देते अधिकारी, क्योंकि उसमें इन्हें अपनी कमीशन मिल जाती और इन्हें जहां कमीशन मिलेगी ये वहां भागेंगे। इन्हें दिखाए कि शहर में ठेकेदार को लाभ पहुंचाना है, बनी हुई सड़क बना दो, ठेकेदार का कम इन्वेस्ट होगा तो इनको बजट में भ्रष्टाचार करने का मौका ज्यादा मिलेगा। वो सड़कें खत्म है अगर उन्हें जब बनाएंगे, उन बनी बनाई सड़कों को बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है, उनका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसमें बजट खर्च होगा, वो बजट खर्च होगा तो इनको बेईमानी के तौर पे अपनी कमीशन कम मिलेगी। जब इन्हें कमीशन ज्यादा चाहिए, इन्हें अपनी कमीशन ज्यादा लेने के लिए बनी बनाई सड़कों में ही भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, और यही भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और नेताओं की हालत हो रखी है कि इन्हें भ्रष्टाचार बढ़ाना ही है। आपको बता दूं 3-4 रोड सिविल लाइन में इससे पहले ही बन चुकी है जो रोड ठीक थी। जी सर, सर क्या कर रहे हो? मैं रुड़की नगर निगम का एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज आपके सामने खोलना चाहता हूँ। मेरी स्वयं की एक प्रॉपर्टी दिल्ली रोड पर है, मैंने आपको भी अवगत कराया, नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को कराया। महापौर महोदय ये कहते हैं कि निगम के अधिकारी मेरी नहीं सुनते, और जब आपकी डबल इंजन की सरकार और महापौर के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आपको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए, आपका राइट बनता है। जब अधिकारी आपकी सरकार में आपके नहीं सुन रहे, आप इस्तीफा दें। इस बात को लेकर क्या कहेंगे जो रोड यहाँ पर बन रही है? आज जो यहाँ रोड बन रहा है यहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जहाँ रोड बनने की आवश्यकता है वहाँ तो रोड नहीं बन रही है, बना रही है आपकी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर रोड नहीं बन रही है। मैं नितिन जी एक बात और कहूंगा, नगर निगम के अधिकारी, मैंने पहले भी आरोप लगा था आज भी लगा रहा हूँ, एक्शन मैडम है यहाँ, एक अभिशासी अभियंता बन के आ गई है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को विशेष पहुंचा रही है दिल्ली रोड पर। किस व्याप पे कर रहे हैं आप ये? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी के स्वयं बाहर उन्होंने यात्री शेड बनाया, आरसीसी के कॉलम पे लिंटर लगा रही है वो, मैंने पहले भी कहा आज भी कह रहा हूँ। और ये तो जांच का विषय है, आपको आपको बता दूं रोड कहाँ बन रही है, जहाँ रोड की आवश्यकता है वहाँ बनाई है आपने। आप चलो बेटीगंज में मेरे साथ, आप चलो अंबरतरा पे मेरे साथ, आप चलो राजेंद्र पाटी जी के मकान के सामने, जहाँ रोड की आवश्यकता है वहाँ तो आप रोड नहीं बना रहे हो, और वहाँ रोड बना रहे हो जहाँ सारी रोड सही पड़ी है। आप देखिए ये रोड की आवश्यकता है प्रेम मंदिर के सामने, रोड की आवश्यकता जनता बताए ना कहाँ रोड की आवश्यकता है, जहाँ रोड बननी चाहिए वहाँ तो नगर निगम या विधायक या हमारी सरकार नहीं बना रही है। यहाँ पर 3 रोड पहले ही बन चुके हैं सिविल लाइन में, उसका भी विरोध हुआ है कि आखिरकार सिविल लाइन में विकास होने से क्या पूरी रोड की में विकास हो जाएगा, इसी बात को लेकर ये प्रेम मंदिर वाली रोड के ऊपर जो मामला उठा है ये मुझे नहीं लगता, लेकिन जांच का विषय है कि वे लोग जो ये चाहते हैं कि पहले वो रोड बननी चाहिए जिसकी जरूरत है, आखिरकार वे रोड क्यों नहीं बन रही है? नितिन कुमार, रुड़की हब से। आइए हम निरीक्षण कराते हैं उस रोड का जो आज बनने जा रही है, जो राठी जी ने हमें बताया कि यह जो प्रेम मंदिर वाली रोड है ये बनने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि रोड तो बिल्कुल अच्छी है, कोई गड्ढा नहीं है, क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य खुद स्वयं सिद्ध हो जाता है। प्रेम मंदिर रोड पे एक भी गड्ढा नहीं है, ना यहाँ के किसी लोगों से पूछ लीजिए, उनका सबका ये कहना है कि अगर ये सड़क पे सड़क बन रही है जो पहले से बिल्कुल ठीक है तो ये एक भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है, ये सड़क अगर बनती है तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है। राठी जी, इससे पहले भी 2-3 रोड बन चुकी हैं सिविल लाइन में, वह भी सही थी लेकिन फिर भी वो बन गई। विधायक प्रदीप बत्रा जी ने कहा जो सड़क बन रही है बन जाने दो, क्या हो उन सड़कों का मुझे पूरी जानकारी है, उनका एस्टीमेट 3-3.5 करोड़ रुपए का बना था,
उन सड़कों के ऊपर भी सड़क बनी थी, उसके देखे जामुन रोड की सड़क पे एक भी गड्ढा नहीं था। सड़क के ऊपर 2-2.5 इंची माल डाल लो, रातों रात सुबह उठ के देखो सड़क बन गई, ऐसा लगा चद्दर बिछा के चले गए हो। तो भैया सड़कों के ऊपर अगर सड़क बनेगी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन सड़कों की वजह से दुर्घटनाएं शहर में हो रही है। पहले गड्ढों की सड़क वो बननी चाहिए, जनता से आप पूछ लीजिए, यही रहते हैं लोग, पूछिए आप। राठी जी ने कहा कि जो रोड बननी चाहिए वो रोड बन नहीं रही, जो नहीं बननी चाहिए वो रोड पहले प्राथमिकता पे आ रही है, क्या कुछ कहेंगे सर आप? यहाँ पे आपकी शॉप है क्या? जी हाँ, मेरे यहीं पे अंबरतला में मेरी शॉप है जी। और ये आप ये देख लीजिए, नगर पालिका से लेके और प्रेम मंदिर तक जी पूरा जीटी रोड भी जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। मुझे तो गड्ढा यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा जो है ये नगर निगम वालों ने यहाँ पे लीकेज हो रही थी, ये उन लोगों ने ही खोद के उन्होंने ही इसको छोड़ दिया ऐसे ही, जबकि इसको यहीं कहीं मरम्मत की जा सकती थी। सिर्फ ये एक ही गड्ढा है पूरे रोड के ऊपर, आप यहाँ से और वहाँ तक देख लीजिए, कोई गड्ढा कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक गड्ढा यही है, वो भी नगर निगम। यहाँ पर बैरिकेडिंग लग रहे हैं जी, क्या ये ठीक लग रहा है? बैरिकेडिंग तो ठीक लग रही है, तो वन वे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ये तो नगर निगम वालों ने ही बैरिकेड लगा रखे ताकि वन साइड में आदमी इधर से जाएगा उधर से निकल के आ जाएगा, अगर ये नहीं होंगे तो यहाँ पे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। आप ये जो बीटीगंज वाली रोड है उसको देखिए आप, ये गुरुद्वारे वाली रोड है उसको देखिए, वहाँ पे कितने गड्ढे हैं, वो तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो रोड सड़क बिल्कुल सही है उसको दोबारा बना रही है, ये सब भ्रष्टाचारी हो रहा है और क्या हो रहा है ये। आप युवा नेता समाजवादी पार्टी के राजा त्यागी जी क्या कहेंगे? मैं तो रोड देख ली, निरीक्षण भी कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ से सिवा कोई गड्ढा नहीं दिखाई दिया, तो आप बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों की नजरों से देखो तो शहर में गड्ढे ही गड्ढे हैं, बनी हुई सड़कों पे गड्ढे हैं। लेकिन आपने तो कहा था गड्ढा बताओ और पेड़ लगाओ। नहीं, मैं तो आज भी उसी मुहिम पे हूँ कि गड्ढे हो मुझे बुलाओ, मैं तुरंत पेड़ लगाऊंगा, मुझे यहाँ पर पेड़ लगा दीजिए आप। नहीं भाई साहब, ये पेयजल विभाग की समस्या है, ये सड़क की समस्या नहीं है, इसके अंदर एक लीकेज है, वो लीकेज जब तक ठीक नहीं होगा, इस सड़क को मैं सुबह सीमेंट भिजवा देता हूँ, मैं ठीक करके चला जाऊंगा, पर ये नीचे से जो पानी आएगा वो तो ऊपर सड़क फाड़ेगा, क्योंकि पानी अपना रास्ता निकालेगा, जब वो रास्ता निकालेगा तो सड़क टूटेगी। इन्हें ये नहीं ठीक करना, इन्हें ठीक करनी है जो इनकी जेब बड़ी है, उस जेब को ज्यादा नोट भर के ठीक करनी है। समस्या यहाँ है, समस्या सड़कों की नहीं है कि बनी हुई सड़क कैसी बनानी, समस्या चीज की है कि उन सड़कों से जेब को लाभ कैसे दिया जाए, क्योंकि अगर इनकी करने की मंशा है तो रुड़की में इतनी सड़कें हैं, आम जनता उन सड़कों से बेहाल हो चुकी है कि उन्हें सड़कें नहीं दिख रही, तो इन्हें वो सड़कें नहीं दिखेंगी, इन्हें ये सड़कें दिखेंगी। दूसरा, आपका एक सवाल था अभी हमारे एक भाई हैं शहर के कि ये डिवाइडरों को लेके, मैं सिविल लाइन का वासी हूँ, मेरा जन्म ये हुआ, कर्म भूमि ये है, मेरी मृत्यु भूमि भी यही रहेगी। रुड़की में जो ये डिवाइडर लगाए गए हैं, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, नियर सेंटर पॉइंट होटल से आप बोर्ड क्लब की तरफ जाइए, वहाँ किसी भी एक दुकानदार या किसी भी होटल स्वामी से आप पूछिए कि यहाँ कितने एक्सीडेंट हुए, तो वो आपको जानकारी देंगे, दिन में 2-3 एक्सीडेंट लगते होने ही होने। मतलब डिवाइडर कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइडर यहाँ पर लगाए गए हैं वे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सच्चाई है, मेरी इसमें ट्रैफिक इंचार्ज साहब से बात हुई थी, अक्रम जी से, मेरे पे अक्रम जी की बात की हुई है, अक्रम जी ने मुझे सीधा ये कहा था, कहने हमारे द्वारा लगाए हुए कोई डिवाइडर नहीं है, अगर हम जो डिवाइडर लगाते हैं तो मुझे ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगाते हैं, और शहर की सड़कें इतनी बड़ी नहीं है कि आप उन पे इतने बड़े बड़े डिवाइडर लगा दो। ये डिवाइडर तो कहीं ना कहीं रुड़की विधायक ने किसी को लाभ देने के लिए लगाए, अब ये तो विधायक जी बताएंगे कि उन्होंने क्या सोच के 10 साल में शहर का विकास का विनाश कर दिया, ये सच्चाई है। तो विकास कहाँ होना चाहिए और विकास कहाँ हो रहा है, तो इसी मुद्दे पर हम बाद में भी चर्चा करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको पूरी रुड़की की खबरें कि आखिर रुड़की में हो क्या रहा है।